बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हफीज़ अकरम, आप देख रहे हैं क्रिकेट स्पेशल। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बहुत बड़ा धचका। दौरे न्यूजीलैंड में अब बाबर आजम T20 सीरीज़ खेल सकेंगे या नहीं, इस वीडियो में इसके बारे में बात की जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम, जिन्होंने गुज़िश्ता प्रैक्टिस मैच में 40 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी, अब उनके बारे में यह खबर सामने आ रही है कि वो प्रैक्टिस के दौरान दाएं हाथ के अंगूठे पे गेंद लगने से ज़ख्मी हो गए हैं। बाबर आजम को डॉक्टर्स ने 12 दिन के आराम का मशवरा दिया है, वो 12 दिन तक नेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लेजेंड बैट्समैन इस सीरीज़ में इंजरी पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड की कंडीशंस में बहुत बड़ा धचका है। टीम मैनेजमेंट उम्मीद जाहिर कर रही है शादाब खान, जो कि अभी तक भी मुकम्मल तौर पे फिट नहीं है, वो सीरीज़ से पहले फिट हो जाएंगे और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को लीड कर सकेंगे। शायकीने क्रिकेट की बाबर आजम से सीरीज़ में काफ़ी उम्मीदें थी और उनकी तवक्को थी कि बाबर आजम रन्स का अंबार लगाकर दोबारा आलमी नंबर वन की पोजीशन ले लेंगे, लेकिन बाबर आजम की ये इंजरी की खबर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बहुत बड़ा धचका है। इसके साथ साथ इमाम उल हक के हवाले से भी अच्छी खबर सामने नहीं आ रही, वो शुरू होने वाले प्रैक्टिस मैच में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उम्मीद करते हैं कि वो टेस्ट सीरीज से कबल इमाम उल हक फिट हो जाएंगे और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का लाजमी इज़हार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दे दें, अल्लाह हाफिज़।